ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. आज हम कादियानियों की एक बड़े अजीबोगरीब फितरत के बारे में बात करेंगे। इन्होंने बास करेक्टर घड़ रखे हैं, जैसे डिज्नीलैंड में मिक्की माउस और डोनाल्ड डक का करेक्टर उन्होंने घड़ा हुआ है, और उसके साथ ऐसी ऐसी बातें मंसूब हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह कादियानियों ने बहुत सारे ऐसे करेक्टर घड़ रखे हैं आम कादियानियों को जो नहीं जानते उनको धोखा देने की खातिर। उनमें से एक करेक्टर जो इन्होंने घड़ रखा है और जिसको बड़ा सेंट बनाकर ये पेश करते हैं कादियानियों के सामने, उसका नाम जफरुल्ला खान चौधरी है। चौधरी जफरुल्ला खान को अंग्रेज़ों ने 1935 में सर का खिताब दिया, और ये बड़ा ज़ोर के साथ बताते हैं, जी सर जफरुल्ला खान, हम आपको उस आदमी के बारे में आज बताएंगे। चौधरी जफरुल्ला खान 6 फरवरी 1993 को पंजाब के एक ज़िला सियालकोट में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक शाही जट फैमिली से था। इसके बाप का नाम चौधरी नुसरतुल्ला खान था और वो पेशे के लिहाज से एक वकील था। इसके दादा का नाम चौधरी सिकंदर था और वो एक ज़िम्मेदार आदमी था, और कहते हैं कि अपने गांव का नंबरदार भी था। इसकी वालदा का नाम हुसैन बीबी था, वो एक बाजवा जट फैमिली से उसका ताल्लुक था, और उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें घड़ी हुई हैं। इसकी पैदाइश के बारे में कादियानियों ने एक अजीब वाहियात कहानी घड़ी हुई है। वो कहते हैं कि जी इसकी माँ के दो बच्चे ज़ाया हो गए, तो किसी हिंदू औरत के पास गई जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके पास कमाल चीज़ें हैं और ये ऐसा चीज़ होने से रोक सकती है। तो हिंदू औरत ने उसे कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, जय देवी को चढ़ावा चढ़ाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखे, जब वो गई एक हिंदू औरत के पास है, वो तो अपने ही खुदाओं की बात करेगी ना। नहीं जी, कादियानी कहते हैं, उसने कहा ना मैं किसी जय देवी को चढ़ावा चढ़ाने नहीं आई। और इसके अलावा इन्होंने ख्वाबें घड़ी हुई हैं कि वो इसकी ख्वाब में आती थी। बिल्कुल वाहियात झूठी कहानी इन्होंने घड़ी हुई है एक करैक्टर ईजाद करने के लिए। फिर कहा जी मिर्ज़ा कादियानी को इसके माँ बाप ने कहा कि तुम दुआ करो तो ये पैदा हुआ, और मिर्ज़ा कादियानी ने कहा बड़ी कमाल पर जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ना कहीं लिखी हुई मिलती है। ये जब इनको चढ़ा दिया और वो कुछ मशहूर हो गया, तो इन्होंने ये झूठी कहानियाँ अपनी फितरत के ऐन मुताबिक खड़ ली। इस किस्से में ज़रा भर सच्चाई नहीं है। अब देखें, इसके बाद जब ये लड़का पैदा हुआ जफरुल्ला खान चौधरी, तो इसने अपनी इब्तदाई तालीम अमेरिकन मिशन स्कूल सियालकोट से हासिल की। इसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ गया और वहां से 1911 में इसने ग्रेजुएशन की। अब देखें, ये 1893 में पैदा हुआ और 1911 में इसकी उम्र तकरीबन 23 साल के करीब थी। तो 23 साल की उम्र में इसके वालदैन ने इसे इंग्लैंड में भिजवा दिया, जहां लंदन में एक किंग्स कॉलेज है, वहां से इसने LLB की डिग्री हासिल की 1914 में, 3 साल लगाकर। और उसके बाद इसने वहां से कानून का एक कॉलेज लिंकन्स इन है, वहां से बैरिस्टर एट लॉ का डिप्लोमा लिया, और उसी साल ये वापस सियालकोट आ गया। अब कादियानियत ने एक और बात घड़नी चाहिए थी, लेकिन वो चूंकि बहुत ही ख़राब बात है चौधरी जफरुल्ला खान की ज़िंदगी के, इसलिए कादियानियत उस पर बिल्कुल खामोश है। वो है इसकी इज़्वाजी ज़िंदगी। 1915 में जब ये वापस आया, तो इसके बाप या वालिद चौधरी नुसरतुल्ला खान ने इसकी शादी अपनी एक रिश्तेदार से करा दी, जो इसकी कज़न है, उसका नाम इकबाल बेगम था।
इसने कहना शुरू कर दिया जी मुझे इससे शादी नहीं करनी थी, इसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ये वो। लेकिन शायद इसके जुल्मों से तंग आकर और ये जिस किस्म के लोग थे, वो कुछ अरसा बाद वो बेचारी फौत हो गई। इसका बाप नुसरतुल्ला चौधरी बड़ी सख्त तबीयत का आदमी था, उसने ऐसा किया, उसने कहा नहीं अब उसकी छोटी बहन थी रशीदा बेगम उससे इसकी शादी करा दी। ये कादियानियों के सेंट चौधरी जफरुल्ला खान ने कहा कि नहीं भी है भी मैनू पसंद नहीं। तो उसके साथ इसने कहा जाता है बिल्कुल कोई इसके अज़वाजी ताल्लुकात भी नहीं थे, वही कुछ किया जो हुरमत बीबी के साथ मिर्ज़े कादियानी ने किया। तो खैर वो इसके जुल्म सितम से तंग आके चंद साल बाद वो बेचारी भी फौत हो गई। उसके बाद 1940 के करीब जफरुल्ला चौधरी ने अपनी मर्जी से बदर बेगम नामी एक औरत से शादी की जो उस वक्त सूबा बिहार जो था कॉलोनियल इंडिया का वहां से ताल्लुक रखती थी। अब देखिए बड़ी अजीब बात है, उससे एक लड़की पैदा हुई, हालांकि पहली दो औरतों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो अचानक ही उस लड़की से एक औरत से एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम अमतलहई रखा गया, जिसकी बाद में पहली शादी अमेरिका में हुई और चंद दिन थोड़े अरसे बाद डाइवोर्स हो गई। फिर दूसरी शादी चौधरी जफरुल्ला ने अपने छोटे भाई चौधरी इसदुल्ला के बेटे नसरुल्ला चौधरी से कर दी। ये इसके यहाँ औलाद हुई और उनमें एक औलाद का नाम मंसूर चौधरी है, जिससे मिर्ज़ा ताहिर ने अपनी सबसे छोटी बेटी तूबा चौधरी की तूबा की शादी की। तूबा वही लड़की है जिसके बारे में जंबा कहा करता है ये मेरे जमाने की मोहम्मदी बेगम है और ये बेवा होकर या किसी तरह मेरे पास वापस आएगी। खैर ये अलग कहानी है। उस लड़के ने मिर्ज़ा ताहिर की लड़की को थोड़े दिनों बाद ही डाइवोर्स कर दिया। खैर ये अलग कहानी है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ये बदर बेगम जो थी लड़की के पैदा होने के फौरन बाद इसने तलाक ले ली जफरुल्ला चौधरी से और बाद में शाहनवाज से जो शेजान वाला है उससे शादी कर ली और वहां से भी इसकी कुछ सालों के बाद डाइवोर्स हो गए। इसके बाद 1950 के करीब या 54 के करीब कहा जाता है 1954 प्रोबेबली इज द करेक्ट डेट, इसने एक सीरियन औरत जिसका नाम बुशरा रब्बानी था उससे शादी की। यह शादी सीरिया की एम्बेसी में हुई थी, तो सारे सीरियन जो थे वो मुसलमान थे, उन्हें पता लग गया, उन्होंने कहा कि ये तो कादियानी है, तुम्हारी शादी नाजायज है, इस्लाम में ये शादी हुई ही नहीं है बल्कि ये जना की जिंदगी है जो तुम गुजारोगे। जैसे जो भी कादियानी मुसलमान तरीके से शादी करता है उसका निकाह नहीं होता, वो बगैर निकाह के बच्चे पैदा होते हैं, उनके उन्हें शायद इस बात का एहसास ना हो लेकिन हकीकत बिल्कुल यही है। तो खैर उसके बावजूद वो कुछ साल इसके साथ रही, कहा जाता है उसके बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात थे, शादी के फौरन बाद शुरू हो गए और चंद साल बाद वो जफरुल्ला चौधरी को छोड़ के किसी और आशना के साथ भाग गई। ये जो हिस्सा है जफरुल्ला चौधरी की कहानी का, ये ना लिखते हैं ना बताते हैं, आप alislam.org पर जाएं, आपको बहुत कुछ मिलेगा जफरुल्ला चौधरी को ग्लोरीफाई करने के लिए, लेकिन उसकी इज़्ज़ाती जिंदगी के बारे में बिल्कुल खामोश है। ये ऐसा क्यों हुआ उसकी वजह मैं बता देता हूँ। ये अल्लाह ताला की लानत थी इस शख्स पर। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तरह ये आदमी भी डायबिटीज का शिकार था 16 साल की उम्र से और इसको बड़ी एहतियात करनी पड़ती थी अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आप हमने कहा कि मिर्ज़ा कादियानी खुसरा था और ना मर्द था, क्योंकि उसको इरेक्टाइल इम्पोटेंस थी डायबिटीज की वजह से और इनफर्टिलिटी भी उसकी इफेक्टेड थी, बिल्कुल बयान ही यही बात जफरुल्ला चौधरी जफरुल्ला खान के साथ थी। इस किस्म की इज़्ज़ाती जिंदगी की सबसे बड़ी वजह जफरुल्ला की नामर्दी और औरतों के साथ ताल्लुकात ना रखने की ताकत भी बयान की जाती है। वरना इसका किरदार तो ऐसा था कि ये जाके नंगी औरतों के तमाशे खुद भी देखता था। जैसे मिर्ज़ा कादियानी को बड़ा शौक था कि वो मोहम्मदी बेगम जैसी नाबालिग लड़कियों से इश्क लड़ाता फिरे, इसी तरह इसके बारे में तो लिखा है ये वही मौसूफ हैं जो
दो नंबर खलीफा मिर्जा जानी को लेके नंगी औरतों का नाश दिखाने ले गए थे लंदन में और पेरिस में और मुख्तलिफ जगहों पर। ये थी इसकी इज़वाजी जिंदगी। अब बात करते हैं इसकी जो काम ये करता था। तो जनवरी 1915 से लेकर जुलाई 1916 तक इसने वकालत की सियालकोट में। अब देखें, मैंने जैसे आपको कहा कि शुरू में तो कादियानियों के हाँ इस शख्स की इतनी अहमियत नहीं थी, लेकिन जब ये वकालत की डिग्रियां लेके आया तो थोड़ी बहुत इसकी कीमत बनी, लेकिन ये ऊपर जाना चाहता था और कादियानियों की नज़र में इसलिए बढ़ना चाहता था कि उनके अपने आकाओं अंग्रेज़ों से ताल्लुक थे, क्योंकि वो तो कहते थे कि हमें उसका मिर्ज़ा कहता था, मैं उसका खुद पहुँचता पौधा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतनी किताबें लिखी हैं कि 50 अलमारियाँ भर जाएं, मैंने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतवातर अहदीस की नफ़ी कर दी है, और मैंने तो यज़ा उल जज़िया की बजाय यज़ा उल हरब कह के लड़ाई को बंद कर दिया। हालांकि इनके कॉल ऑफ एयर में बहुत फ़र्क है, लेकिन जो इतना और लिखता था किताबें, तोहफा कैसरिया प्रिंस ऑफ वेल्स को तोहफा, यानी कि पाँव चाटना किसी के तो दूर की बात है, इसने तो गैर अल्लाह के नीचे अपने सब कुछ रख दिया था, दिमाग पाँव और जुबान सब उनकी तो तलवे चाट चाट के इसकी जुबान खराब हुई हुई थी, बल्कि वो तो पहले ही खराब थी। इस बात का जफरुल्ला चौधरी को पता था, तो उसको लगता था कि कादियानियों में अगर उसकी औकात बढ़ गई तो शायद वो उनके आकाओं की वजह से कोई बेहतर जिंदगी गुजार सके। तो उसने दो काम किए जफरुल्ला चौधरी ने, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला काम तो उसने ये किया कि 1916 में उसने खुद जानबूझकर एक केस लिया पटना हाई कोर्ट में। अब केस का रेफरेंस ये है कि हाकम खलील अहमद वर्सेस मलक इसराफील केस। अगर आप गूगल पर जाएं और हाकम खलील अहमद वर्सेस मलक इसराफील केस पटना हाई कोर्ट 1916, तो उसमें इसने एक गैर मुतल्लक सा फैसला हासिल कर लिया हाई कोर्ट से कादियानियों के लिए। चूंकि मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी में उसे लोगों ने काफिर करार दिया था, अहमद रज़ा बरेलवी जैसे लोग तो मक्का और मदीना गए थे और इनके खिलाफ कुफर के फतवे ले आए थे, तो उसने फैसले में कोर्ट से यानी हाई कोर्ट से ये लिखवा लिया कि कादियानियों को मुसलमानों की सारी जगहों की इस्तेमाल करने की खुली इजाज़त है, क्योंकि मुसलमान इन्हें अपनी ज़ियारत और इबादत की जगह इस्तेमाल नहीं करने देते थे। इसने अदालत से ये फैसला ले। उन दिनों मिर्ज़ा जानी 1914 में खलीफा बना, जिसने ये जमात भी तोड़ दी और आधी जमात लाहौरी होगी आधी कादियानी होगी, तो ये कादियानी हिस्से में था जफरुल्ला चौधरी, तो इसकी बड़ी वाह हुई। उसको एकदम जो दो नंबर खलीफा जानी था उसको ख्याल आया ये तो बड़े काम की चीज़ है भाई, इसने तो एक अनरिलेटेड केस में हमारे लिए मुसलमानों को शिकस्त दे दी है। तो उससे जमात में वक्त बढ़ गई और इसके बाद उसने कहा कि चलो एक केस से तो मेरी कीमत इतनी लग गई है इस जमात में, तो उसने दूसरा केस 1922 में एक और केस में अपना हाथ डाल दिया, वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। ये दूसरा केस मद्रास हाई कोर्ट में था, ये नराठा कत अवूला वर्सेस प्राकल मामू। ये अगर आप केस गूगल करें आपको तफसीलात पता लग जाएंगे। इसमें एक मुसलमान हुआ एक कादियानी हुआ और उनके दरमियान कोई झगड़ा था, तो इसने आखिर में एक फैसला हाई कोर्ट से करवा लिया, क्योंकि मुसलमान इन्हें नामुस्लिम कहते थे। इसने हाई कोर्ट का फैसला ले आया कि जो कादियानी और सो कॉल्ड अहमदी जो है ना वो मुसलमान है। अब आपको पता लग गया होगा के कादियानियों को शुरू से ही गैर मुस्लिम मुसलमानों ने करार दे रखा था, क्योंकि इनके अकायद ही मुसलमानों वाले नहीं थे, वरना कोई दुश्मनी इनसे नहीं थी उन्हें। लेकिन और ये शुरू से इनका रवैया ये रहा है कि किसी तरह हल हुल करके दबा दें मुसलमानों को और इनके गर्दनें दबा दें अगर इनके बस में चले। तो 1922 को इन्होंने हाईकोर्ट से फैसला ले आए कि कादियानी और सो कॉल्ड अहमदी मुसलमान है, इनका ताल्लुक इस्लाम से है। अगर ये मुसलमान थे तो इन्हें ऐसा फैसला लाने की क्या जरूरत थी, लेकिन ये तो नहीं है ना। तो ये दो केस ऐसे इसने किए वकील के तौर पर कि कादियानी जमात में वो जो जानी किस्म का खलीफा था जो अपनी बीवियों को जहर दे देता था। आपको एक अजीब बात बताऊं,
ये मिर्ज़ा कादियानी की औलाद नहीं था, महमूद कहा जाता है कि ये हकीम नूरे की औलाद था असल में, और इसने शादी उसकी बेटी अमतल हई से की थी हकीम नूरे की, तो असल में इसने अपनी बहन से शादी की हुई थी। ये वो ख़ानदान है जनाकारों का ख़ानदान। तो खैर इसका इस वक्त मौका नहीं है। तो इन दो केसेस ने जफरुल्लाह चौधरी को ना चार चांद लगा दिए कादियानियत में। अब देखिए जी आगे क्या हुआ। इस पर वो बड़ा खुश हुआ मुदा जानी जो अपनी सकी बेटियों से जना किया करता था, उसने इसको कहा कि तुम ऐसा करो, तुम लाहौर में जाओ तो हम तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम थोड़ी देर जब तक हम तुम्हारे लिए कोई ऊंची ऊंची शान वाली जगह नहीं ढूंढते तुम लेक्चरर लग जाओ लॉ कॉलेज में। तो ये वहां जाकर 1919 से लेकर 1924 तक लेक्चरर लगा। तो जब ये लाहौर में था तो इसको मिर्ज़ा जानी जो था उसने कहकर लाहौर का अमीर मुकर्रर कर दिया इसको। और ये 1919 से लेकर सन 1935 तक लाहौर का अमीर भी रहा। इसके बाद चूंकि इसने कादियानियत के लिए बहुत कुछ किया और इस्लाम और पाकिस्तान को तबाह करने की पूरी कोशिश की, तो इसको उन्होंने एक तोहफा दिया हुआ है कि कराची और लाहौर की जमातों में से जो भी अमीर आइंदा बनेंगे वो इसी के ख़ानदान में से होंगे। इसलिए लाहौर का अमीर एक वक्त में असदुल्ला चौधरी था जो इसका छोटा भाई था, उसके बाद बरसा बरस तक असदुल्ला चौधरी का लड़का नसरुल्ला चौधरी अमीर रहा। तो चौधरी ख़ानदान को इन्होंने कराची और लाहौर की अमीर बनाया हुआ है इसके इनाम के तौर पर जो कुछ जफरुल्ला चौधरी ने इस जमात के लिए किया। उसके बाद 1922 में ही जब इसने ये केस जीता और जमात में इस कादियानी जमात में वाह वाह हो गई इसकी कि वाह जी हमें इसने सरकारी तौर पर मुसलमान करवा दिलवा दिया, तो उस वक्त प्रिंस ऑफ वेल जो था वली अहद शहजादा बरतानिया का वो इंडिया के दौरे पर आ रहा था। तो मिर्ज़ा जानी ने एक किताब लिखवाई छोटी सी, उसका नाम था तोहफा शहजादा वेल्स, अंग्रेजी में कह लें कि ए गिफ्ट फॉर द प्रिंस ऑफ वेल्स, उसका अंग्रेजी तर्जमा इन्होंने किया। और उसको बरतानिया के वली अहद शहजादा को देने के लिए इन्होंने जफरुल्लाह चौधरी का इंतखाब किया ताकि ये बड़े लोगों की नज़रों में आ जाए और वो जब कहें कि किसको ऊपर उठाना है तो उन्हें पता हो कि ये आदमी उन्होंने देखा हुआ है। ठीक है, ये है फरवरी 1922 का वाकया इसकी ज़िंदगी का। इसके बाद इसके मशवरे पर जो मिर्ज़ा महमूद जानी था उसने उसको सियासत में हाथ डालने का भी बड़ा शौक था, और इतना शौक था कि कश्मीर कमेटी में उसने मिट्टी पलीत कर दी मुसलमानों की। खैर सबसे पहले जो इसने बड़ा हाथ मारा वो 1924 में था, एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुख्तलिफ किस्म के जमातें जो पॉलिटिकल थी, उसमें इसने अहमदिया एसोसिएशन के नाम से, अहमदिया मुस्लिम मूवमेंट के नाम से, हालांकि मुस्लिम तो लिखना ही नहीं चाहिए था, अहमदिया मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट बनाई जो पॉलिटिकल पार्टी जो कभी चली ही नहीं, और आखिर में उसने इसको छोड़कर अपनी आदत के मुताबिक मुस्लिम लीग पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया जो आपको अभी हम बताएंगे। तो 1924 में ये जो अहमदिया मूवमेंट का डेलीगेशन गया इस पॉलिटिकल मीटिंग में, उसका हेड इन्होंने जफरुल्लाह चौधरी को बना कर भेजा। ये जफरुल्लाह चौधरी का पहला इंट्रोडक्शन था मेन पॉलिटिकल पार्टी से। उसके बाद जफरुल्लाह चौधरी ने आके मिर्ज़ा जानी को कहा कि मियां बात यह है कि तुम्हें तो मुसलमान पसंद नहीं करते, अगर तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के आओगे कहोगे कि ये अहमदिया मुस्लिम मूवमेंट है और इसके हम रिप्रेजेंट करते हैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, तुम ऐसा करो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है जो तमाम मुसलमानों की जमात है उससे पीछे से कब्जा करने की कोशिश करो। तो उसने इसकी बात मान ली कि ये लगती ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने इसका प्रोफाइल ऊंचा करना शुरू किया। 1926 में
उन्होंने कह कहलाकर इसको पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया। हालांकि इसकी पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, इसको कोई इनविटेशन नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने कह कहला के ज़बरदस्ती कहा कि इसको तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी ना, कानून बनाने वाला अदारा जो ब्रिटिश इंडिया में पंजाब का था, उसका मेंबर बनवा दिया 1926 में। तो ये काफ़ी देर तक उसका मेंबर भी रहा, लेकिन उसी साल सितंबर की 2 तारीख को 1926 में इसका बाप नुसरत अल्लाह चौधरी का इंतकाल हो गया। जनाब कादियानियों ने, जिन्होंने कभी इस खानदान का जिक्र भी नहीं किया था, मिर्जे जानी ने, जो मिर्जा महमूद था, उसने जनाब बड़ा जोर से खुतबे दिए जी। एक क्या नाउज़बिल्ला साहबी था, जो भी कुछ किया, और साथ में इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की। उसके बाद 1927 में इसको उन्होंने भेजा जी, एक अदालत में एक केस चल रहा था कि मुसलमान कौन है और मुसलमानों की आउटलुक क्या है। अब मुसलमानों की इतनी पहुंच नहीं थी, इनको जो ही पता लगा कि मुस्लिम आउटलुक के नाम से एक केस चल रहा है अदालत में, तो इन्होंने कहा जी यहाँ पर तो मुसलमानों का जो काउंसिल होगा, जो उनका कानूनी नुमाइंदा होगा, वो जफरुल्ला चौधरी होगा, क्योंकि हमने 1922 में एक फैसला ले लिया हुआ है अदालत से कि कादियानी जो है वो मुसलमान है। ठीक है ना, ये फैसला 1922 में इन्होंने लिया था, और उसका मैंने आपको बताया उस अदालत का नाम मद्रास हाई कोर्ट था। इन्होंने बगैर मुसलमानों की मर्जी के ये पहुंच गया जी, ये कादियानी मुसलमानों का दफा करने, और इन्होंने इसने हर वही कुछ किया जो कादियानियों की फेवर में कहा था। इसके बाद इनकी तसल्ली नहीं हुई और एक मीटिंग हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 1931 में, और चूंकि इनकी 1924 की साजिश कामयाब नहीं हुई थी जिसमें ये कादियानी डेलीगेशन का हेड था, इन्होंने 1931 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई, कहकलाकर इन्होंने जफरुल्लाह चौधरी को उसका सदर बनवा दिया उस मीटिंग का, कि चलो एक दिन के लिए इसको सदर बना दो ताकि जो मुस्लिम लीग है उस पर कब्जा किया जा सके। इसके बाद अंडरहैंड, यानी कि मुस्लिम लीग ने कोई वोट नहीं दिया, किसी ने इसको अप्रूव नहीं किया, इन्होंने अंडरहैंड करके साजिश करके 1930, 1931 और 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उन तीनों कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने कहा कि मुसलमानों की नुमाइंदगी जफरुल्लाह चौधरी करेगा। मुसलमान बड़े इस पर परेशान हुए, लेकिन चूंकि उस वक्त की हुकूमत के ये इस कदर गुलाम थे कि मिर्जा कादियानी ने अपनी बैत की शर्त नंबर 4 ही ये रखी थी कि जो इस हुकूमत का वफादार नहीं है वो मेरी बैत में शामिल नहीं है, यानी कि उसके आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, उनका खालिक अल्लाह ताला नहीं था, वो तो पूजा ही उस हुकूमत की करते थे। ठीक है, उस वजह से 3 साल तक कंजेक्टिवली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें इन्होंने जफरुल्ला चौधरी को बगैर मुसलमानों की मर्जी के कहा कि ये मुसलमानों का मेन नुमाइंदा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये वही कॉन्फ्रेंस है जिसमें हिंदुओं की नुमाइंदगी महात्मा गांधी ने की थी। और उसके बाद 1935 में इन्होंने इसे पहले तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनवाया पंजाब का इसे 1926 में। 1935 में इन्होंने कह कहला के बरतानवी हुकूमत से इसको सर का खिताब दिलवा दिया, और जब सर का खिताब इसको 1935 में मिल गया, इन्होंने कहा जी अब तो ये पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इतने मज़ा नहीं है, जो ऑल पूरे हिंदुस्तान की वायसराय की काउंसिल है ना, उसका इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जाए। तो उस वक्त की हुकूमत को पता था ये हमारे वफादार नहीं तो हैं, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमानों के ये दुश्मन हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। इसलिए 1935 से लेकर 1941 तक जफरुल्लाह चौधरी नाम निहाद नुमाइंदा बन के रहा मुसलमानों का, और हर काम मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ इसने किया है। ये थी 1941 तक की कहानी।
इसके बाद जबकि इसी दौरान जब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, 1935 को इसे रेलवे का वजीर बना दिया गया, ठीक है, ताकि इसका प्रोफाइल और बढ़े। इसके बाद 16 मई 1938 को जुफरुल्लाह चौधरी को सबसे बड़ा धचका यह लगा कि उसकी जो वालदा थी वो फौत हो गई, और वो 1938 में उसने कहा कि जुफरुल्लाह चौधरी शायद अपनी मां के करीब था, अपने बाप से तो इसे शदीद नफरत थी, ये बात सब लोग जानते हैं। तो इसने एक किताब लिखी, मेरी वालदा। आप अगर उस किताब को पढ़े ना, तो मैंने जब वो किताब पढ़ी मुझे बहुत अजीब लगा कि माँ बेटे के लिए एक बड़ा रिस्पेक्टफुल रिश्ता होता है, एक ऐसी यादें होती हैं जिनको पढ़ के दिल पिघल जाता है, लेकिन आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी मेरी वालदा नामी इस किताब, छोटी सी एक किताब है। इसने बस किताब लिखने के लिए ना एक रोना धोना डाल के एक माई मदर नाम की किताब लिख डाली। खैर 1939 में इसने कादियानियों ने इसका और प्रोफाइल, क्योंकि अब ऊंचा हो चुका था, इन्होंने कहा कि जी ऐसा करते हैं कि आप पहले तो ये मुसलमानों का नुमाइंदा था, हालांकि पूरा मुसलमान इनको काफिर कहते थे, मुसलमान नहीं समझते थे, कोई शख्स नहीं चाहता था कि कादियानी उनका नुमाइंदा बने, जबकि अहमद रजा बरेलवी और मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी सनाउल्लाह अमृतसरी और बड़े बड़े आलम दीन इनके मुखालिफ थे, तो कैसे हो सकता है कि मुसलमानों का नुमाइंदा एक कादियानी हो जाए, नामुमकिन बात है। इसने कहा पहले तो जी हम मुसलमानों के नुमाइंदे ज़बरदस्ती बन गए, अब हम ऐसा करेंगे कि हम पूरे हिंदुस्तान के नुमाइंदे बनेंगे। तो इन्होंने 1938 में लीग ऑफ नेशन, जिसे आजकल यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, उसमें जफरुल्लाह चौधरी को पूरे हिंदुस्तान का नुमाइंदा बना के भिजवा दिया कि अब हिंदुस्तान को कादियानी रिप्रेजेंट करेंगे। और इस पर हिंदुओं ने बड़ा शोर मचाया। यह 1939 की बात है, 1939 की। इसके बाद इस आदमी को, जफरुल्लाह चौधरी को, ये सारी बातें उसको मिल गई तो उसे शुक्र करना चाहिए था। वो एजेंट जनरल भी रहा चीन में, बरतानिया की जो कॉलोनियल इंडिया था उसकी तरफ से, लेकिन वो हमेशा चाहता था कि उसे जज बनाया जाए। तो आखिर बड़ी कोशिशों के बाद 1941 में वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का जज लगा दिया गया। और ये जो जज का ओहदा था, इसने जून 1947 तक अपने पास रखा। अब इस मौके पर मैं कादियानियों की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। सारे कादियानी शोर मचा मचा के लिखते हैं कि 1940 की करारदादे पाकिस्तान जफरुल्लाह चौधरी ने लिखी थी, लानतुल्लाह अल-काज़िबीन, लानती लोग हैं ये। 1940 की करारदादे पाकिस्तान एक कमेटी ने लिखी थी। वो कमेटी ने जब करारदादे पाकिस्तान लिखी तो उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के हक में लिखी, इसको इस्लामी मुल्क करार दिया, और ये उस कमेटी का इंचार्ज बना बैठा था, क्योंकि हमेशा से इन्होंने ये धोखा किया मुसलमानों के खिलाफ के मुसलमान इन्हें कहते थे तुम मुसलमान नहीं हो, ये कहते थे हम तो तुम्हारे नुमाइंदे भी हैं। तो इसने सबसे पहली बात, वो जो करारदाद लिखी गई उसमें दो लाइनें थी कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम किया जाएगा और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसके कानून की असास होगी। कहते हैं इसने मोटा सा एक पैनल लिया और इन दोनों लाइनों पर लकीर खींच ली, कहता है ये नहीं है ठीक। इसके बाद जितनी भी लाइनें थी जिसमें जो करारदादे पाकिस्तान में अब मौजूद हैं, उसने ये कह दिया कि हम जो मुल्क बनाएंगे वो इस्लाम के नाम पर नहीं होगा बल्कि वो सेकुलर कंट्री होगा। और इसने उस मीटिंग में कहा जिसमें ये करारदाद डिस्कस हो रही थी कि तुम लोग बिल्कुल गलती करोगे, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को उस वक्त पता लग चुका था कि पाकिस्तान का क्याम मुमकिन है, और 1940 से पहले बल्कि 1947 तक आप मिर्ज़ा महमूद के खुतबे हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है, सैकड़ों रेफरेंसेस हैं कि ये पाकिस्तान के क्याम के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब करारदादे पाकिस्तान बनाई गई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी और उसका खात्मा लोग समझते थे करीब ही होगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन सकता है और ये मुल्क आज़ाद हो सकता है,
तो उन्होंने ये करारदाद थी। चौधरी जफरुल्ला खान इसको सिरे से बदल देना चाहता था। आखिरकार उन्होंने कहा कि तुम इस करारदाद को बदल नहीं सकते हो, अगर तुम इस कमेटी का हेड रहना है तो तुम्हें इस करारदाद को ऐसे ही अप्रूव करना होगा जैसे लिखी गई। करारदाद का लिखने वाला जफरुल्ला खान चौधरी बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो इसको इतना बदलना चाहता था कि ये एक मुसलमान मुल्क की बजाय एक सेकुलर मुल्क बनकर निकले। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, इसका सबूत देता हूं इस बात का। ये कादियानी हमेशा से झूठे हैं, हमेशा झूठे रहेंगे, हमेशा से इन पर अल्लाह ताला की लानत रहेगी। इनको कम से कम झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। अब ये ऐसा हुआ कि उसके बाद इसको 1942 में चाइना का एजेंट जनरल बनाकर भेज दिया गया और मुसलमान बहुत खुश हुए कि चलो जान छुट गई इस खबीस से, ऑल इंडिया मुस्लिम। अगर ये 1942 में चाइना का में ना जाता एजेंट जनरल बन के तो पाकिस्तान आज सेकुलर मुल्क होता, वो इस्लाम की बुनियाद पर कायम ही ना होता। और वो जो करारदाद पाकिस्तान है उसी की वजह से उन्होंने इससे जान छुड़ाने के लिए मुसलमानों ने कोशिशें करके कहा कि भाई साहब इसको इंडिया से बाहर निकालो। ये हालत है। और ये आपको कहते हैं कि जी करारदाद पाकिस्तान जफरुल्ला चौधरी ने लिखी, लानतुल्लाह अल काज़िबी। 1945 में इसने फिर अपने आप को कहा कि मुझे नॉमिनेट करो। एक कॉमन वेल्थ की कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें वो मुल्क जो बरतानिया के अंडर थे उनकी कॉन्फ्रेंस, उनको कॉमन वेल्थ के कंट्रीज कहा जाता है। ये जी कादियानियों ने जोर शोर लगा के कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है इंडिया की नुमाइंदगी बल्कि वो जफरुल्ला चौधरी करेगा। वो जी इनकी चलती थी उन दिनों, ये चल गए। लेकिन सबसे ट्रेजेडी की बात जो जफरुल्ला चौधरी ने की वो अब मैं आपको बताने लगा। 1941 से लेकर 1947 तक ये इंडियन फेडरल कोर्ट का जज रहा, लेकिन जून 1947 में इसने वहां से रिजाइन कर दिया, जबकि इसे रिजाइन करने को कहा भी नहीं गया था। उसकी एक वजह थी, ये अगर जज रहता तो ये मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, जबकि मिर्जा जानी जो था जो अपनी बेटियों से जना करता रहता था वो चाहता था कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हो उसमें कादियानियों की मर्जी चले। और उसका एक ही तरीका था, एक ही आदमी उन्होंने इतना फुला फुला के किया हुआ था कि वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता था। हालांकि उनके कादियानियों के अंडर हैंड बहुत सारे आदमी थे, आर्मी में बड़े सीनियर सीनियर अफसर थे, हर महकमे में इन्होंने अपने आदमी भर्ती किए हुए थे, क्योंकि जब इनका एक आदमी ऊपर जाता है तो वो अपने दूसरे कादियानियों के ऊपर ले जाता है और मुसलमानों को धिक्का देकर नीचे बिठा दिया जाता है, जितने मर्जी जहीन हो जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो। तो इन्होंने यही कुछ किया हुआ था। तो इसने जून 1947 में इंडिया की फेडरल कोर्ट से रिजाइन कर दिया। और फिर कायदे आजम के पीछे मिर्जा महमूद भी लग गया और ये भी लग गया और दूसरों को भी कहा, जबकि कायदे आजम इसको बनाना नहीं चाहते थे बाउंड्री कमीशन का मेंबर, बल्कि उन्हें खुद बनना चाहिए था, लेकिन कह करा के इन्होंने जोर डाल डाल के ना, उसको कहते हैं सर सिरिल रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन, जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें जो है उनका तयन किया। अब आप कहेंगे कि मैं क्यों इस बात को कर रहा हूं, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि इसने मुसलमानों से सबसे बड़ी गद्दारी उस वक्त ही की। यह इतना खबीस शख्स था, इसने यह किया कि कादियां जो है ना जिला गुरदासपुर में है, जो मिर्जा फैमिली का यह मंसूबा था कि यह मौका है उनके लिए कि वो अपनी एक अलग रियासत बना ले। अब उन्हें यह भी पता था कि मुसलमान उन्हें काफिर कहते हैं, वो तो इन्हें ऐसी रियासत बनाने नहीं देंगे। तो उन्होंने एक मंसूबा घड़ा। मंसूबा यह था कि एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा कॉरिडोर जो है वो दरमियान में लटका दिया जाए, डिस्प्यूटेड कर दिया जाए, जिसको बाद में वो अपनी फोर्स, अपनी फौज बना के कब्जे में ले लें और पाकिस्तान को कहें कि जी ये तो हमारा है, और फिर अपना असर रसूख मिला के और बरतानवी हुकूमत क्योंकि उस वक्त बहुत डोमिनेंट थी उनसे कहक ला कर एक छोटी सी रियासत अपने लिए घड़ ले। उस मंसूबे के तहत इन्होंने सबसे पहला काम जो जफरुल्ला चौधरी ने किया, और अब मैं आपको बताऊं जफरुल्ला चौधरी ने ये तमाम काम इसलिए किए कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कादियानी हैं वो एक अहद करते हैं जब भी इकट्ठे होते हैं। वो अहद ये है
कि मैं खिलाफते अहमदिया के कायम रखने की खातर अपना जान, माल, इज्जत और वक्त कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार रहूंगा। अगर आप गौर से इस अहद को सुने तो यह दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की एक शदीद तरीन मिसाल है, जिसे मिर्जा जानी थ्रेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया करता था। उसने अपनी एक तकरीर में क्वेटा में कहा था कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे एक हुक्म पर अपनी गर्दन अपने हाथों से काट लेंगे। ये उसके लफ्ज हैं मिर्जा जानी के। ये अहद जो शख्स लेता है वो पाकिस्तान का कैसे वफादार हो सकता है? उसने तो मौत और जिंदगी की कसमें खाई हुई है एक काफर के साथ। यही काम जफरुल्ला चौधरी ने बाउंड्री कमीशन में किया। गुरदासपुर के जिले में जब काउंटिंग कराई गई तो 51% वोट मुसलमानों के हक में था कि ये गुरदासपुर पाकिस्तान में शामिल होगा, और 49% वोट था कि ये इंडिया में शामिल होगा। मिर्जा महमूद के कहने पर उसने कमीशन को कहा कि जी मुसलमान हमें मुसलमान नहीं समझते, इसलिए कादियानियों का वोट इसमें शामिल ना किया जाए। इन्होंने जफरुल्ला चौधरी ने कादियानियों का वोट निकलवा दिया गुरदासपुर से ताकि वो पाकिस्तान में शामिल ना हो। याद रखो गुरदासपुर में कादियां भी शामिल है, और इसको मुअल्लक कर दिया क्योंकि ये मार्जिनल वोट वाला। इसी वजह से इन्होंने जफरुल्ला चौधरी ने दूसरों के साथ मिल मिला के कश्मीर का मसला भी खड़ा कर दिया। अब एक बात जो नहीं लिखी कभी इन्होंने वो ये थी कि कायदे आजम को जब कहा गया कि जफरुल्ला चौधरी तो ये कुछ कर रहा है, तो जफरुल्ला चौधरी ने कायदे आजम को एक कहानी सुनाई कि ये तो बड़ा छोटा सा मसला है जी, ये तो पार्टीशन हो रही है, ये मार्जिनल एरियाज हैं, हालांकि कश्मीर मार्जिनल भी नहीं था, इनको तो हम दो मिनट में हल कर लेंगे, हमारे पास इतने ज़बरदस्त जनरल हैं, हमारी ऐसी ज़बरदस्त फौज है। इसलिए आप जानते हैं तकसीम पाकिस्तान क्याम पाकिस्तान के फौरन बाद एक लड़ाई हुई थी जिसमें कादियानी जनरल थे हुसैन मलिक और दूसरे तीसरे, जो ये कहते हैं जी छंब जोड़ियों पर कब्जा कर लिया। असल में छंब पर कब्जा करने की वजह पाकिस्तान को फतह दिलाना नहीं था, क्योंकि छंब पर कब्जा करना स्ट्रेटेजिकली, वो लोग जो फौज में काम करते हैं जानते हैं छंब पर कब्जा करने से पाकिस्तान की फॉरवर्ड होने की एबिलिटी पर असर पड़ गया था, और एक छोटे से इलाके के बदले में इन्होंने पूरा कश्मीर हाथ से गवा दिया जानबूझकर कादियानी जर्नैलों ने। यह हकीकत है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यह है कहानी इस शख्स की। और बदकिस्मती देखिए अपने, इन्होंने अल्लाह ताला ने इनके मंसूबे को कैसे खाक किया जो जफरुल्लाह चौधरी ने बनाया था। इसके फौरन बाद आपको याद होगा कि वो फिरका जो कहता था यज़ाउल हर्ब के लड़ाई बंद हो गई, लड़ाई नहीं होगी, और अब ये कहते फिरते हैं जी वो तो दीन के लिए लड़ाई बंद हुई, इसे लानत हो तुम लोगों पर। वो लड़ाई इन्होंने अपने खुदाओं को, अपने बुतों को खुश करने के लिए बंद की थी, इस्लाम के नाम पर बंद नहीं की थी, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने एक फोर्स बनाई, एक रेजिमेंट क्रिएट की जिसका नाम फुरकान फोर्स था, उसमें कई हजार लोग इन्होंने शामिल किए, उसमें जो हमारे पाकिस्तान के क्याम के बाद 60% से ज्यादा जनरल और सीनियर अफसर फौज के तमाम इदारों में कादियानी थे। तो उन्होंने जनाब मिर्जा जानी को उसका कमांडर बना दिया, लिखकर दे दिया तुम ही इसके कमांडर हो, ताकि जब वो कब्जा करे गुरदासपुर या कश्मीर के किसी हिस्से पर वो उसको क्लेम कर सके। और उसको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदा गैर अनऑफिशियली दे दिया। लेकिन बदकिस्मती यह कि इनका कोई मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मसला खड़ा हो गया, गुरदासपुर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया सिर्फ इस शख्स जफरुल्लाह चौधरी की वजह से, और इसने किया कादियानियों के कहने पर यह सारा कुछ। अब कादियानी कहते हैं कि जी वो तो फिर देखें, जब हर शोबे में कादियानियों की इतनी होल्ड हो, फौज 50% ज्यादा सीनियर अफसर इनके हों, मुख्तलिफ शोबों में इनके बड़े बड़े अफसर हों, ये अपने लोग लगा रहे हों,
तो दूसरों की कहाँ चलती है बेचारे, वो तो उनको तो इन्होंने 50 साल की मेहनत से नीचे किया हुआ था। इसीलिए जब रूफो कंजरी को ये लेकर कादियान गया था तो वो वापस आके उसने मुनीर जो उस वक्त मुलीम जस्टिस मुनीर जो उस वक्त वकील था उसको शिकायत की तो वो केस लेने को तैयार था, लेकिन जो ही उसने महमूद जानी का नाम लिया उसने कहा नहीं बाबा मैं ये केस नहीं लड़ सकता। ये हालत थी उस वक्त इनके जोर की। इसीलिए 1953 में ये वही जस्टिस मुनीर है जिसने 1953 के पंजाब राइट्स की रिपोर्ट लिखी, ये वही जस्टिस मुनीर है जिसने पैगाम बचाया था महमूद जानी को कि तुम अदालत में जज के आने के बाद आना, क्योंकि अगर तुम जज के आने से पहले आ गए तो तुम्हें अदालत में खड़ा होना पड़ेगा उसके ऑनर में। यह हालत थी कादियानियों की ताकत की उस वक्त। तो ये आप देखें कि जफरुल्ला चौधरी ने तो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ क्याम पाकिस्तान के साथ तो कभी कोई इंसाफ किया ही नहीं, बल्कि ये तो गद्दारी की एक अजीम शान मिसाल है पाकिस्तान की तारीख में। इसके बाद 1947 दिसंबर में इसने कहा कि जी जब मैं यूनाइटेड नेशन में का इजलास जब हुआ तो इसने जानबूझकर कहा मैं वजीरे खारजा हूं मैं इसकी नुमाइंदगी करूं। अब एक और वाकया बड़ा ही मशहूर है, उसके लिए तो किसी सबूत की भी जरूरत नहीं। यही मौसूफ जफरुल्ला चौधरी साहब था जिसने जब कायदे आजम की वफात 11 सितंबर 1948 को हुई तो इसने उनका जनाजा नहीं पढ़ा। लोगों ने पूछा कि जनाब तुमने कायदे आजम का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा, सारी उम्र तो उसका दिया तुम खाते रहे। कहते हैं जी वो इसलिए नहीं पढ़ा कि आप मुझे एक मुस्लिम रियासत का गैर मुस्लिम वजीर खारजा समझ लें या गैर मुस्लिम रियासत का एक मुस्लिम वजीर खारजा समझ लें। यह तारीख के सीने पर चाकू की तरह खुदा हुआ रिमार्क है जो हकीकत को इस तरह बयान कर रहा है कि जो लफ्ज मैंने बयान किए हैं उनकी तो हकीकत ही कोई नहीं है इसके मुकाबले में। अब कादियानियों से एक सवाल पैदा होता है कि जब तो तुम ताकत में थे, मुसलमानों को दबाया हुआ था, इस्लाम को खत्म करने के चक्कर में फिर रहे थे, उस वक्त ये तुम खुले आम ऐसी बातें कहते थे जो ये मौसूफ कह गया है, तो जब 1974 में मुसलमानों की हुकूमत ने इस्लाम की हुकूमत ने पाकिस्तान में साफ फैसला कर दिया 7 सितंबर 1974 को कि मिर्ज़ा जो चौधरी जफरुल्ला खान जो है वो एक मुसलमान हुकूमत का गैर मुस्लिम वजीर खारजा था, तो फिर तुम क्यों दुहाई दुनिया में देते फिरते हो कि हमारे साथ ये जुल्म हो गया। यानी कि कादियानियत की हालत ये है कि हम सारों को गैर मुस्लिम कह लें, हम गद्दारियां कर लें, हम दूसरों के मुंह की रोटियां फेंकें, लेकिन हमें जो कुछ कहेगा तो हम कहेंगे हा 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 दुआई अल्लाह दी ऐसी मारे गए ऐसी लुटे गए ऐसी मारे गए ऐसी लुटे गए, जो हमें तो अपने बच्चों की गर्दने नहीं उतारने देते, हमें तो दूसरे लोगों को मारने नहीं देते, दुआइयां हमारा कलमा भी वही, हमारा दीन भी वही, हमारा कुरान भी वही, हमारी नमाज भी वही, हमारे रोजे भी वही, लेकिन ये दीदी हमें मुसलमान ही नहीं मानते, मुसलमान तो अच्छे सारे काफिर। यानी कादियानियत को हर आदमी को काफिर कहने का हक है, लेकिन जब एक मुसलमान 12 दिन की डिस्कशन के बाद हर मौका देने के बाद उसके बात सुनने के बाद ये फैसला देता है उल्मा की मौजूदगी में फैसला देता है कि ये मुसलमान नहीं है तो वो नाकाबिले कबूल हो गया। पाकिस्तान में किसी कादियानी को आज तक तकलीफ नहीं दी गई, लेकिन कादियानियों ने मुसलसल पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किए हैं। मैंने आपको एक आदमी की जिंदगी की तारीख में कितने जुल्म बताए हैं, सिर्फ जफरुल्ला खान की वजह से हजारों लाखों लोग मारे गए। अगर गुरदासपुर का कॉरिडोर सेफ हो जाता तो इतनी कत्लो गारत होती ही नहीं पार्टीशन के वक्त। इसने मां को मरवा दिया, बाप को मरवा दिया, बेटों को मरवा दिया सिर्फ एक आदमी के लिए, जिससे ये ऐत करते हैं कि मैं खिलाफत अहमदिया की कायम रखने की खातिर अपना जान माल इज्जत और वक्त की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहूंगा। वो शख्स जो ये इंतहा पसंदी का दहशत पसंदी का यह ऐत करता है वो किसी का वफादार कैसे हो सकता है। और ये वो जमात है जो इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करती है,
वो लोग जो इनकी बात नहीं मानते या इनको भत्ता या टैक्स जो लाजमी चंदों के नाम पर देने से इनकार करते हैं उनका इखराज करते हैं, ये जो इन पर सवाल उठाते हैं उनका इखराज करते हैं ये। और इखराज आप समझते हैं, ये नहीं कहते कि जाओ तुम हमारी जमात का हिस्सा नहीं, उसके माँ बाप को खत लिखते हैं, बहन भाइयों के खत लिखते हैं, जमात को खत लिखते हैं, पूरी दुनिया में उसका नाम अनाउंस करते हैं, इससे कोई ताल्लुक ना रखना, इसने नाउज बिल्ला एक शैतान, वो जो अपनी बेटियों से जना करते हैं और जो जो वाहियात किस्म के जाहिल तरीन खलीफे जनाकार खलीफे हैं उसके हुक्म की खिलाफ अर्जी करती। मुर्तद कहना तो कादियानियों के लिए बहुत ही छोटा सा लफ्ज है, मुर्तद तो बहुत अच्छे होते हैं, ये तो मुर्तदों के मुर्तद हैं कादियानी, ये है इनकी तारीख। आप मैं हर कादियानी को कहता हूं कि 90% कादियानी इस बात से नावाकिफ है, मैं सिर्फ आपकी हमदर्दी में आपको आईना दिखाता हूं, आप इन लोगों को फौरन छोड़ दें। अगर आप समझते हैं कि आप मुसलमान हैं और इस कल्ट का हिस्सा है तो खुदा की कसम आप गलत समझते हैं, इस कल्ट का इस्लाम से मुसलमान होने से दूर दूर का ताल्लुक भी नहीं है। ये देखें ये बात किस तरह रोजे रोशन की तरह आया है इस शख्स की जिंदगी में। अब देखें इसके बाद जफरुल्ला चौधरी की जिंदगी में क्या हुआ। ये तो वजीर खारजा 1954 तक रहा पाकिस्तान का, और 1953 में खून रेजी करवाने वालों में जब गुलाम अहमद गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का, इसका बहुत बड़ा हाथ था। ये सारा ड्रामा जैसे 1974 में इन्होंने जानबूझ के निश्तन मेडिकल कॉलेज की ट्रेन रोकी, उन्हें डंडों से मारा, जख्मी किया, गुंडागर्दी की, और उसके बाद जनाब कहते हैं नहीं 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 ऐसे तो बड़े मजलूम हो गए जी, देखो साढ़े तो हमला करता, और तुम्हारे बाप ने कहा था तुम उनकी ट्रेन में तो रुकना ही नहीं था, रबवा में तुमने सिग्नल मैन से कह के सिग्नल बंद करवाया वहां पर, फिर तुम ट्रेन पर चढ़ गए और तुमने जख्मी कर दिया उन इनोसेंट लोगों को। ये एक कादियानियत एक दहशतगर्द तंजीम है। देखें मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, और कादियानी सिर्फ कादियानी नहीं है, लाहौरी भी हैं, वो ये ऐद नहीं करते, 12-15 अदर दूसरे फिरके हैं वो ये ऐद नहीं करते, ये सिर्फ कादियानी जो है ना नाम नहाद जाल साज खलीफों का ग्रोह जो है वो ये ऐद करता है कि मैं खिलाफत अहमदिया के कायम रखने की खातर अपनी जान माल इज्जत की कुर्बानी देने के लिए हरदम तैयार होगा। इसमें कहां है लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, ये तो एक जाल साज का नकली चेहरा है। ये सामने से कुछ हैं, नजर आते कुछ हैं, करते ये कुछ हैं, कॉल फेल में यही इनका मजहब के साथ भी है, कहते तो जो कुछ है करते वो कुछ नहीं है। आपको हम खोल खोल के बताते हैं, आप हमारी बाकी वीडियोस देख लें आपको पता लग जाएगा, हम अकायद के बारे में बड़ी तफसील से बात करते हैं कि इन्होंने जिस चीज इस्लाम का सिर्फ लबादा ओढ़ रखा है, पेशाब की बोतल पर आबे जमजम का लेबल लगाकर बेच रहे हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई हकीकत नहीं है। अब ये देखें 1954 में के बाद ये चले गया अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने, और 1960 में इसने एक किताब लिखी इस्लाम इट्स मीनिंग फॉर मॉडर्न मैन। मैं सारे कादियानियों को कहता हूं आप ये किताब पढ़ें और फिर इस्लाम के बारे में पढ़ें, आपको पता लग जाएगा किस कदर मुल्हिद ये शख्स था। उसमें एक ही फिक्रा उलट उलट के आता है कि मैं मेरा नाम इलहाद है और मैं मिर्ज़े कादियानी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। आप ये किताब जरूर पढ़ें। अब 1961 से लेकर 1964 तक ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था पाकिस्तान का, ये सब कादियानी जालसाजियों की वजह से, हालांकि किसी कादियानी को कभी ऐसी पोजीशन पर नहीं रखना चाहिए, उसी में अगर पाकिस्तान ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इस बात को कबूल करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं वो इस बात को समझते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग नाइव नहीं हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे किसी कादियानी से रत्ती भर बुगज नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना छोड़ दें, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना छोड़ दें और राय रास्ते इख्तियार कर लें, एक सीधा रास्ता, क्योंकि मैं जाती तौर पर इस बात से वाकिफ हूं कि 90% कादियानी अपने अकायद से ना वाकिफ हैं, वरना मैं कभी आपसे बात ना करता।
अब इसने 1970 में कुरान पाक की ट्रांसलेशन की। आपको कादियानियों को तो ये सेंट बनाकर पेश करते हैं ना, जुफरुल्ला चौधरी, बहुत बड़ा सेंट, बुजुर्ग। इसने 1970 में जो कुरान पाक की ट्रांसलेशन की उसमें इतनी मानवी तारीफ है जिसका हिसाब ही नहीं है। और इसकी वो ट्रांसलेशन का बेस तफसीर सगीर थी, ठीक है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी जबान में है। आप समझें कि इसने अंग्रेजी जबान में तफसीर सगीर की जो जितनी भी तहरीफात है जो हम आपको दिखाते रहते हैं वो इसने कर दी। अरबी तो बहुत दूर की बात है, इसको अरबी का एक हर्फ भी समझ नहीं था। इसने सिर्फ तफसीर सगीर पढ़ी उर्दू वाली और उसकी ट्रांसलेशन। और अगर आप समझते हैं कि इसको अंग्रेजी जबान आती थी, आप बहुत गलत समझते हैं। ये 3 साल इसने तालीम हासिल की, बड़ी मुश्किल से पास हुआ इन इम्तिहानों में, मार्जिन पर इसने कोई डिस्टिंक्शन नहीं ली, बल्कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी कि बाहर के एग्जाम में इसने मिर्ज़ा महमूद को एक मैसेज भेजा कि किसी अपने ताल्लुक वाले से कहकर मुझे पास करवाओ, मेरा तो कुछ ठीक हुआ ही नहीं। और उन्होंने कैक लाकर इसको पास करवा दिया, ये हकीकत यही है। और ये कहते हैं नहीं जी, उन्होंने बड़ी दुआ का खत लिखा कि मेरा इम्तिहान खराब हो। उसने लिखा था भाई साहब ताडे कोल तेरे माँ प्यो बाबे खड़े ने, जाके किसी ने कह मैं दोबारा नहीं इम्तिहान दे सकता, मार्जिन पर पास हुआ था ये। यही कहानियां आपको अब्दुस्सलाम के बारे में सुनाते फिरते हैं। हम ये नहीं इनकार करते कि वो बिल्कुल डाफ था, मतलब आम लोगों से थोड़ा बेहतर था, लेकिन इतना बेहतर नहीं कि वो बन जाए जो वो इन्होंने एक मॉन्स्टर खड़ा कर दिया उसमें से। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। ये उसके बाद 1970 में इसको प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हेग में बनाया गया, और इस ओहदे पर ये 3 साल तक काम करता रहा। 1973 में रिटायर हुआ 80 साल की उम्र में। ये 1893 में पैदा हुआ था, 80 साल तक इसने काम किया। आप सोचें ऐसा क्यों है, क्योंकि कादियानियों के पास इसका अल्टरनेटिव नहीं था मौजूद। 80 साल का सिठाया हुआ बुड्ढा, सदा का नामर्द, जिसकी उजवाजी जिंदगी के बारे में कादियानियत भी शर्म करते हैं बात करने के बारे में, और उसको बनाकर पेश करते हैं बुजुर्ग। 1973 से लेकर 1983 तक ये लंदन में, जिसको इनका पूजा पाठ की जगह है फजल मास्क जिसको ये कहते हैं, उसके सामने ही उसी बिल्डिंग में एक हॉल है जिसका नाम महमूद हॉल है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लैट बनाया हुआ था। ये उसने अपने पैसों से इन्हें बना कर दिया था महमूद हॉल, तो उसके एक फ्लैट में रहता रहा 10 साल। इसके बाद 1983 में इसने उन लोगों से कहा कि देखो मैं अब पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा जिस्म डब्बे में बंद होकर पाकिस्तान जाए। वो चाहता था कि उसे दफन रबवा में किया जाए। आप देखें, आप कहेंगे कि भाई जब वो इतना अकीदतमंद था कादियानियत का कि आखिर वक्त में वो दफन भी उनके साथ होना चाहता था, तो मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। इस्लाम को समझने के लिए इस्लाम को पढ़ना पड़ता है, उसने इस्लाम के बारे में कभी नहीं पढ़ा। क्यों मेरे कादियानी बहन भाइयों, आप मुझे इस्लाम पढ़ के दिखाओ और जाके अपनी टेंपल में जहां पूजा पाठ करते हो अपने किसी को कहो कि मैं इस्लाम के बारे में मुसलमानों की किताबें पढ़ रहा हूं। पहली दफा आपको समझाएंगे कि वो हमारे दुश्मन हैं, अगर आप फिर भी ना समझे ना कहेंगे हजूर से शिकायत करूंगा, और अगर आप फिर भी ना समझे तो आपका इखराज हो जाएगा, क्योंकि आपकी जमात बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इस्लाम के बारे में जाने, कुरान के बारे में जाने, या ऐसी कोई भी बात जाने जो जिससे आपको हकीकत पता लग जाए। जफरुल्ला चौधरी उसी हालात में पैदा हुआ, इसके लिए आगे बढ़ने का एक ही तरीका था कि वो कादियानियों की ये हर बात माने और इस्लाम के बारे में कभी ना पढ़े, और उसने कभी भी नहीं पढ़ा सिवाय कादियानियों की खराफात के, जो मिर्ज़ा कादियानी लिखता और जो मिर्ज़ा महमूद जानी लिखता रहा और जो इस किस्म के का। अब जो शख्स इस ककून में रहेगा और जो अपने दुनियावी फायदे हासिल करने के लिए ये सब कुछ करेगा, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक हो सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, मैं आपसे नहीं कहता कि जी आप कादियानी इसलिए छोड़ दो कि मैं कहता हूँ ये गलत है, बिल्कुल नहीं ऐसा मैं कहता।
मैं आपसे कहता हूं कि आप कादियानियत सिर्फ इसलिए छोड़ दो कि आप एक दफा अपनी जिंदगी में इस्लाम के बारे में पढ़कर देख लो कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम क्या है, क्योंकि ये आपको यही लॉलीपॉप देते हैं ना कि हम असली मुस्लिम, ट्रू इस्लाम, जिंदाबाद, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी किताब कुरान, हमारी नमाज भी वही, सब कुछ। अगर सब कुछ वही है तो आप फिर पढ़ो इस्लाम के बारे में के इस वो किताबें पढ़ो जो हदीस की किताबें हैं, वो किताबें पढ़ो जो इस्लाम के उलमा और इमाम जो रहे हैं, अबू हनीफा ने लिखी हैं, इमाम मालिक ने लिखी हैं, इमाम शाफी, सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, मुस्नद किताबें इस्लाम की, उनसे पढ़ो और ये भी पता करो वो मिर्ज़ा कादियानी को काफिर क्यों कहते हैं। उसके बाद आप कादियानियों की, उससे पहले मैं कहता हूँ आप मिर्ज़ा कादियानी के वो जो शैतानी खजाइन की 23 जिल्दें हैं, आप उनको एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा पहले पढ़ लो, ताकि कहीं ये शक ना रह जाए कि जी हमने एक सच्चे आदमी को बात नहीं सुनी। आप वो पढ़, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 2-3 किताबें पढ़ोगे तो कादियानियत को छोड़ दोगे। इस आदमी ने, ज़फ़रुल्लाह चौधरी ने, मैंने उस शख्स से सुना है जो इसके करीब था, मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा ज़फ़रुल्लाह चौधरी ने कभी मिर्ज़े की किताबें पढ़ी थी? कहता है हाँ कुछ पढ़ रखी थी। ये इसने भी उनकी किताबें कुछ पढ़ी थी, लेकिन जैसे आप कादियानियों की इंस्ट्रक्शन पर पूरा अमल करते हो और वो जो अहद इनका है मैं खिलाफते अहमदिया के कायम रखने की खातर हर वक्त अपना जान माल इज्जत और वक्त की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहूँगा, इसी लाइन से वो आपको हिप्नाटाइज कर देते हैं, फिर मुँह में वो लोलीपॉप पकड़ा देते हैं। आप हमारी दूसरी स्ट्रीम्स वीडियोज़ देखें तो आपको पता लग जाएगा। तो ये है वो वजह कि इस आदमी ने कभी इस्लाम कबूल करने की कोशिश ही नहीं की। तो 1983 में ये चले गया अपने बेटी के घर लाहौर कैंट में, बेटी ब्याही हुई थी नसरुल्लाह चौधरी से जो लाहौर का अमीर था। अब ट्रेजेडी की बात सुने जो कादियानी लिखकर आपको बताते ही नहीं है। उस बेटी के साथ उसकी माँ बदर बेगम भी रहती थी जिसकी शाहनवाज से डिवोर्स हो चुकी थी। जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने कहा बदर बेगम को तुम मुझे माफ़ी दे दो और मेरे साथ बात करो और मेरे साथ बैठ के खाना खाया करो। बदर बेगम ने इसके मरने तक ना इससे बात की और ना कभी इसके साथ बैठकर खाना खाया, और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ये इस कदर बेहोशी के आलम थे में था कि इसके साथ वही हो रहा था, इसके मुंह से भी पखाना निकलता था, इसके पीछे से भी पखाना निकलता था और बेशुमार बदबू आती थी इसके कमरे से। और इसी हालत में 1 सितंबर 1985 को इसकी वफात हो गई। देखें मैंने किसी बुक से नहीं, मैंने आपको असल हालात बताए हैं कि ये ज़फ़रुल्लाह चौधरी कौन था। आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर लें, एक दिन आपको सबको, बादशाह को, फकीर को, अमीर को, गरीब को, सब उस 6 फुट गहरी कब्र में दाखिल हो जाए। उसके बाद आपकी माफी की, हर चीज की वक्त खत्म हो जाएगा। तो मैं तो आपसे सिर्फ हमदर्दी में बात करता हूँ, कोई बुख्स से नहीं बात करता। आप इसके बारे में गौर करें, अल्लाह ताला सबको हदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए, और वही रास्ता दिखाए जिसका आप दावा करते हैं कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब को मानने वाले हैं। जाते हुए मैं आपको एक बात दोबारा याद कराना चाहता हूँ, मुसैलमा कज़ाब जिसे मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ाब करार दिया, वो बिल्कुल यही बात कहता था कि मेरा कलमा भी वही, मेरा कुरान भी वही, मेरी नमाज भी वही, मेरा रोज़ा भी वही। और मिर्ज़ा कादियानी को खुदा ताला ने कभी इमामत की तौफीक नहीं दी। मुसैलमा कज़ाब ना सिर्फ हाफ़िज़े कुरान था बल्कि वो नमाजों का इमाम भी था। इंतहा ये हुई कि जब अबू बकर सदीक ने एक कासद उसको वार्निंग देने के लिए भेजा तो वो कासद वहां जाके उसके मुरीदों में दाखिल हो गया और वो कहने लगा कि मुसैलमा कज़ाब है। लेकिन मुसैलमा कज़ाब को इन सारी बातों के बावजूद मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुसैलमा कज़ाब कहकर मुखातब किया था और उसको लिखा था कि तुम जहन्नमी, दायरा इस्लाम से खारिज हो।
मिर्ज़ा की तरह वो भी कहता था। मिर्ज़ा तो कहते हैं ना कि वो नाउस बिल्ला दूसरी आमद है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हालांकि वो मेरे आका व मौला की खाक के बराबर भी नहीं है, बल्कि मेरे अल्लाह ने उस खाक को भी उसके साए से महफूज रखा जिस पर मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े। मुसलमा कज़ाब कहता था मैं आधे ज़मीन का मैं नबी हूँ, आधे के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। उसके अकायद बैन ही वही थे। मैं सारे कादियानियों से पूछता हूँ, अगर आप मुसलमान हो तो आप किसका फैसला मानते हो, एक झूठे कज़ाब मुफ्तरी पागल का या मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? अगर आप मेरे आका का फैसला नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं हैं। फिर आप अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दें, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।